हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साउथ की फिल्म, खास करके तमिल और तेलुगु वर्जन में बनी हुई अनुष्का शेट्टी की भागमथाई के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। रिस्पॉन्स इसे अच्छा मिला है, मिक्स रिस्पॉन्स भी इसे कहा जा सकता है। एक हॉरर पॉलिटिकल थ्रिलर है और सस्पेंस नाम का भी एलिमेंट इस फिल्म में आपको मिलेगा। चलिए इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि क्या स्टोरी है और रेटिंग साथ में बताता हूँ। क्रिटिकल रेटिंग 3 स्टार की मिली है। स्टोरी जान लेते हैं क्या है। Accused of murdering her husband, IAS officer Chanchala, that is Anushka Shetty, is taken to a haunted house called Bhaagamathie House. यानी भागमती जो फिल्म का नाम है वो एक्चुअली एक बंगलो है इस फिल्म में, जहाँ पर IAS officer को पुलिस लेकर जाती है इंट्रोगेशन के लिए, क्योंकि जो IAS officer है चंचला यानी अनुष्का शेट्टी, उन पर इल्ज़ाम रहता है उनके पति को मारने का। अब यहाँ पर इसका एक पॉलिटिकल कनेक्शन ये भी है कि चंचला जो रहती है यानी कि अनुष्का शेट्टी, वो बहुत ही क्लोज रहती है एक मिनिस्टर रहते हैं जो जयराम नाम है उनका, वो उससे बहुत क्लोज रहती है। और मिनिस्टर बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांग हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि उसका जो पार्टी होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पॉलिटिकल पावर बहुत आ जाती है। तो जो दूसरी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी, उसे ज़रा भी पसंद नहीं आता है। तो अपोजिट पार्टी क्या करती है, वो बड़े एक IAS ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर से मिलकर जयराम को परेशान करती है और साथ ही अनुष्का शेट्टी को उस भागमथाई हाउस में अकेला बंद कर देती है, और ताकि इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरह से कर सके। और जो भागमथाई हाउस रहता है वो एक हॉरर हाउस रहता है, और किस तरह से भूतिया एलिमेंट इस फिल्म में डाला गया वो पूरा है। किस तरह से अनुष्का शेट्टी या चलचला किस तरह से अलग अलग वियर्ड बिहेव करती है, वो इस फिल्म की कहानी है। और ये देख सकते हैं किस तरह से छोड़ा जाता है अनुष्का शेट्टी को इस घर में, यानी कि भागमथाई हाउस में। वो पूरी स्टोरी एक पॉलिटिकल एंगल लेकर है, और जहाँ तक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने। थोड़ी सी और बात करता हूँ कि इन्होंने कहा है कि एक बहुत थिन लाइन होती है डराने में या चिल्लाने में। तो हॉरर फिल्म अक्सर होती है कि जो शायद लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि हॉरर एलिमेंट उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने हॉरर का इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जो एक अच्छी बात है। एक पॉलिटिकल एंगल रखा है इस फिल्म का, जो एक बहुत सही है। यानी कि जी अशोक जो डायरेक्टर हैं, उनकी तारीफ की गई है यहाँ पर। और देख सकते हैं एक हॉरर थ्रिलर फिल्म, द फिल्म का इन्फ्यूज जनरस जो स्पेशल इफेक्ट्स, स्पूकी बैकग्राउंड, यानी कि स्पेशल इफेक्ट्स है बहुत सारे इस फिल्म में, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल का है। और बाकी भागमथाई हाउस तो है ही है डराने के लिए। तो फिल्म में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जयराम यानी कि ईश्वर प्रसाद जो रोल प्ले कर रहे हैं, ईश्वर प्रसाद रोल प्ले कर रहे हैं जयराम, और पॉलिटिकल हु विंस द हर्ट्स, देखिए मैंने वही कहा था, वूइंग द चेंज इन द सिस्टम एंड डेडिकेटिंग इज लाइफ टू सर्व द पीपल, यानी कि ये सच्चा इंसान रहता है जयराम यानी कि ईश्वर प्रसाद, जो बहुत ही बड़ा करना चाहता है पब्लिक के लोग के लिए, जो आम पब्लिक के लिए नेता बनने के बाद। लेकिन जो अपोजिट पार्टी के रहते हैं लोग, जैसे कि पुलिस सामंत इसमें मिला हुआ रहता है, वैष्णवी नेता राजन मिली होती है, आशा शरत यानी कि CBI की जो जॉइंट डायरेक्टर है, ये मिली होती है अपोजिट पार्टी के से, ताकि वो ईश्वर का यानी कि जयराम का सफाया कर सके, और साथ ही अनुष्का शेट्टी को भी आई थिंक जो भी ये टॉर्चर कर सके, जो भी इस तरह की स्टोरी है। तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो हॉरर एलिमेंट उसमें ज़्यादा वक्त नहीं गवाया, जो कि एक अच्छी बात है। और इस फिल्म के एट द एंड ऑफ द क्या कहा है, द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड इन ब्रिस्क पेस एंड देयर इज इनफ एलिमेंट एंड सरप्राइज इन द सस्पेंस भागमथाई, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट है जो आपको पसंद आने वाले इस फिल्म में। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रेटिंग अगर देखें, जैसे कि मैंने कहा 3 स्टार क्रिटिक रेटिंग है, एवरेज यूजर्स 3 स्टार है। वही अगर दूसरे साइड की मैं बात करूँ तो मैं behindwoods.com पे आया हूँ, इनकी रेटिंग कम से कम देख लेते क्या दिया है। इन्होंने 3.5 स्टार दिया पब्लिक के हिसाब से, और इनकी रेटिंग 2.5 स्टार है, यानी कि 2.25 स्टार है। और एक और रिव्यू मैं देख लेता हूँ observer247.com का, इनके रिव्यू क्या है, इनका रिव्यू प्रॉपर आई थिंक रिव्यू इन्होंने दिया नहीं है, देख लेते फिर भी नीचे अगर रिव्यू है तो मैं रेटिंग है तो मैं आपको बता देता हूँ। और प्रॉपर हाँ 3 स्टार दिया है 5 में से। तो यानी कि जो इस मूवी को एवरेज रेटिंग ही मिली है, यानी 3 स्टार तक की रेटिंग मिली है। हॉरर एलिमेंट अच्छा है, लोगों को पसंद जरूर आएगा, अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है, यानी कि बाहुबली के बाद उनका एक बहुत बड़ा रोल है, और लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे ऐसा लगता है। और क्या लगता है वो आपको इस रिव्यू के बारे में जरूर बताइए, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसे लगी वो भी बता सकते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।